हो गई, अब यहां से निकलने की तैयारी। गाड़ियां उस गाड़ी के पीछे आ गई तो निकालने में टाइम लग रहा है इनको। एक गाड़ी ये उस जगह पे थे, वो ग्रीन कलर दिख रहा है सबसे ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर। अब आओ मैं बताऊं कहां चलना है आपने को। अब वहां जाना है अपने को 20 किलोमीटर नीचे। अभी अपन 20 किलोमीटर ऊपर है, वहां जाना है बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक लिया है अपन ने, मनाली से अटल टनल की ओर जा रहे थे तो यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर है अभी अटल टनल। ये देखिए यहाँ से आगे जाएंगे और मेरे दोनों बाइकर्स पीछे रह चुके हैं, अभी वो आएंगे। अभी वो मनाली में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मनाली और अटल टनल के बीच में रास्ता कुछ इस प्रकार है, ये देखो मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं आए तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है तुम लोगों की। लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहिए। वो देखो ऊपर कुछ ऐसा है। Oh, 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 oh
थे यहाँ पे, सब फोटो शूट वगैरह कराने के लिए रुके हुए थे। और इसके पास ही रिवर रोहतांग पास होके नहीं जाना है, रोहतांग लाई बोलते ना उसको। हाँ रोहतांग, रोहतांग लाई इधर है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ जैसे ही हम रोहतांग पास से अटल टनल क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा चेक पोस्ट है, यहाँ और कुछ नहीं, अपनी गाड़ी का नंबर फीड करवाना होता है इंक्वायरी के लिए, और एक पास मिलता है अपने को पर बाइक 50 रुपीज़। तो हमारे 150 रुपये लगे हैं और हमने 3 पास लिए हैं, अपनी गाड़ी के नंबर देके अपना इजी पास बन जाता है, ज़्यादा कोई मोटा टाइम वेस्ट नहीं होता है। चल।